नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जेपी सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। और ये हमारा सेकंड लेक्चर है, जो हमारा बीएससी सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री चल रही है, इसमें ये हमारा इसका सेकंड लेक्चर है। और फर्स्ट वाले लेक्चर में हम क्लियर कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और हमारा जो फिलहाल चला हुआ है वो चला हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, ये है हमारी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमने फर्स्ट वाली यूनिट चली हुई है इसमें हमारी, ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ टॉपिक हमने अपनी फर्स्ट वाली वीडियो में क्लियर कर लिए, जो बच्चे कुछ हैं उन्हें अब क्लियर कर लेते हैं। और आज से ही हमारा जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है या ग्लूकोज के जो बेसिक कैरेक्टर है उन्हें हम आज से शुरू कर देंगे उस वाले अपने टॉपिक को। और ये हमारा टॉपिक फिर कंटिन्यू रहेगा कल या परसों, दो तीन दिन चलेगा, उसके बाद में जाके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कल हमारे वीडियो में बचा हुआ था उसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमें पढ़ना है इसमें पॉलीसैकेराइड्स। हम पढ़ चुके हैं मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स। अगर आपने मोनोसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड्स अभी नहीं पढ़े हैं तो जो हमारी जस्ट इससे पिछले वाली वीडियो है उसे जाके देखिएगा और क्लियर करिएगा कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जब हम इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ये भी हम हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पॉलीसैकेराइड्स की जो डेफिनेशन देंगे वो भी किस पर देंगे, हाइड्रोलाइसिस पर ही देंगे। ये जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जब हम इनका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो इनके हाइड्रोलाइसिस से बहुत सारे यूनिट्स हमें मिलती हैं किसकी, मोनोसैकेराइड्स की, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी हमने कुछ इसी टाइप से लिखी हुई है कि पॉलीसैकेराइड्स का हाइड्रोलाइसिस कराने पर बहुत सारी यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स हमें प्राप्त होते हैं, और जो इस टाइप के होंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे, पॉलीसैकेराइड्स। अब देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, द कार्बोहाइड्रेट्स इज विच वे कार्बोहाइड्रेट्स अपॉन हाइड्रोलाइसिस जिनके हाइड्रोलाइसिस से गिवन इन लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोलाइसिस से हमें मिलते हैं लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, मतलब मोनोसैकेराइड्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, आर कॉल्ड भी हमारे कहलाते हैं क्या, पॉलीसैकेराइड्स, वे हमारे पॉलीसैकेराइड्स कहलाएंगे। चलिए एक बार इसके जो और इसका कुछ ब्रीफ डिस्कशन है उसे भी थोड़ा सा कर लेते हैं। पॉलीसैकेराइड्स आर एक्चुअली पॉलीमर्स, ये पॉलीमर्स होते हैं एंड पोसेस हाई मोलिकुलर मासिस, और इनका जो मास होता है वो कैसा होता है, हाई होता है, ठीक है, हाई मोलिकुलर मास रखते हैं। द मोलिक्यूल ऑफ ए पॉलीसैकेराइड्स इज कंपोज्ड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट। जो एक पॉलीसैकेराइड्स मोलिक्यूल्स होता है उसके पास में होता है एक लार्ज नंबर किसका, मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स का। व्हेन द मोलिकुलर इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस, जब हम इसके मोलिक्यूल को, ठीक है, जब हम इसके मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइसिस करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट सेपरेटेड्स, और जो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स हैं जिनसे मिलके ये बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट मतलब जिससे ये मिलके बना है, वे सेपरेटेड हो जाती हैं, सब अलग अलग हो जाएंगी। दिस इज वाई, ये इसका कारण है, दे याइल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल ऑन हाइड्रोलाइसिस, की जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स हमें उसमें मिल जाएंगे। द जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉलीसैकेराइड्स इज C6H10O5 का होल एन। जो जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला होता है किसका, पॉलीसैकेराइड्स का, ये होता है C6H10O5 का होल एन, वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है, एन इक्वल टू 100 to 3000। जो हमारे पास में एन है ये नंबर ऑफ यूनिट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके, मोनोसैकेराइड्स के, और एन इक्वल टू हमारा होगा कितना, 100 to 3000। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स आर स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लूकोजन, एटीसी। अब इसके कुछ एग्जांपल हमारे पास में है जिसकी स्टार्च है, या दूसरा हमारे पास में इसमें है सेल्यूलोज या ग्लाइकोजन, ये हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, पॉलीसैकेराइड्स के। चलिए अब इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो रिएक्शन हमने यहाँ स्टार्च की ली हुई है, और हमारे पास में यहाँ क्या है, एन, हमने यहाँ एन शो किया हुआ है, तो एन इक्वल टू 100 to 3000 कुछ भी हो सकता है। अब याद रखिएगा जो वैल्यू आप एन की रखेंगे स्टार्च में वो सेम वैल्यू आपको रखनी है किसमें,
वाटर के मॉलिक्यूल में, और उतने ही मॉलिक्यूल्स हमें ग्लूकोज के मिल जाएंगे। अब मैं अगर बात करूंगा तो मॉलिक्यूल्स का तो पता चलेगा नहीं, मगर मोल्स का जरूर पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में जितने मोल्स कितने होंगे, वाटर होंगे और स्टार्च होगी, उतने मोल्स हमें क्या मिल जाएंगे, ग्लूकोज मिल जाएंगे, जो हमें ये रिएक्शन इसमें शो कर रखी है इस वाली इक्वेशन में। फिर अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। अब ये जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर। अब जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, वो क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट के बेसिस पर। ठीक है, अब जो क्लासिफिकेशन का बेस होगा वो कौन होगा, वो टेस्ट होगा। अब हाइड्रोलाइसिस था, अब टेस्ट होगा। अब बात करेंगे किसकी, टेस्ट की, कि कुछ का टेस्ट ऐसा होगा शुगर के जैसा और कुछ का टेस्ट कैसा होगा नॉन शुगर के जैसा। ठीक है, वे टेस्ट लेस रहेंगे। एक का टेस्ट कैसा होगा, स्वीट होगा, शुगर के जैसा होगा, और एक कैसा रहेगा, टेस्ट लेस रहेगा, उसका कोई टेस्ट नहीं होने का है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स मे बी क्लासिफाइड इन टू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। जो हम टेस्ट की बेस की बात करेंगे या टेस्ट के बेसिस पर हम बात करें, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वे कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, नंबर एक शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड शुगर्स, कि वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जो टेस्ट होता है वो शुगर के जैसा होता है। ठीक है, क्या कहलाएंगे वे, हमारे शुगर्स कहलाएंगे। अब ये कौन कौन से होते हैं, ये हमारे होते हैं मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। ठीक है, ये टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं। द शुगर्स आर जनरली क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड आर सोल्युबल इन वाटर। अब जो शुगर होते हैं ये जनरली कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन स्टेट में होते हैं और वाटर में कम्प्लीटली सोल्युबल होते हैं। ऑल द मोनोसैकेराइड्स आर डाइसैकेराइड्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं या डाइसैकेराइड्स हैं वे बिलोंग करते हैं हमारी शुगर वाली कैटेगरी से। इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स हमने इसके लिखे हैं, जैसे कि हमारे पास में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है या फिर लैक्टोज है। ये सभी हमारे पास में एग्जाम्पल्स हैं किसके, शुगर वाली सैकेराइड्स के, सॉरी शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट्स के। आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ शुगर, से हमारे पास में क्या है, कॉमन एग्जाम्पल है किसके, शुगर के। अब बात करेंगे हम इसके सेकंड टाइप की। तो सेकंड टाइप हमारे पास में कौन होता है, नॉन शुगर होता है। अब अगर नॉन शुगर की बात करेंगे तो इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, टेस्ट लेस होता है, इनके पास में कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड नॉन शुगर, की जिनका जो टेस्ट है वो शुगर के जैसा नहीं होता है, मीठा नहीं होता है, वे हमारे क्या होते हैं, नॉन शुगर्स। अब इसमें जो हमारे आएंगे वे कौन आएंगे, पॉलीसैकेराइड्स आ जाएंगे। ठीक है, दे आर यूजुअली अमोर्फस इन नेचर एंड आर इन सोल्यूबल इन वाटर। इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, अमोर्फस होता है और ये कैसे होते हैं, इन सोल्यूबल होते हैं, किसमें, वाटर में। द टेस्ट लेस पॉलीसैकेराइड्स बिलोंग टू द कैटेगरी। अब जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वे इस वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे हमारे पास में स्टार्च है, सेलुलोज है, आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ शुगर। ये हमारे पास में क्या है, कुछ कॉमन एग्जाम्पल है किसके, नॉन शुगर के। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। कौन सा, हाइड्रोलाइसिस का भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया, जस्ट पिछले वाली वीडियो में भी कुछ पढ़ लिया था, बाकी बचा हुआ हमने यहाँ पढ़ लिया। ठीक है, तो हमने टेस्ट के बेसिस पर और हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर क्या काम कर लिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट कर लिया है। अब एक क्लासिफिकेशन हमारे पास में और बचा है, वो हमारा होगा इसमें रिड्यूसिंग नेचर में। अब रिड्यूसिंग नेचर किसका होगा, किसका नहीं होगा, ये भी डिस्कस करने वाले हैं, ताकि हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो कैसा हो जाए, यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा बेटा आपको, समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए नीचे और बताइए मुझे, नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम क्लियर कर दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं स्क्रीन पर मेरे पीछे पीछे जो लेक्चर आपके आ रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, तो इन्हें लेक्चर को लेने के लिए, इनका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। वहां आपको जो वीडियो है उसका लेक्चर भी मिलता रहेगा और पीडीएफ भी मिलता रहेगा। ठीक है, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। अब यहां पर हमारे पास में हेडिंग आ गई है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग बिहेवियर। अब रिड्यूसिंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या क्लासिफिकेशन किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग बिहेवियर कार्बोहाइड्रेट्स मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। टू टाइप्स के होंगे यहाँ भी हमारे पास में, ये
ठीक है, पहले नंबर पे होंगे रिड्यूसिंग सुगर्स। जो ये क्या काम करते हैं बेटा, ये जो हमारे पास में रिड्यूसिंग सुगर्स हैं बच्चों, ये जो रिड्यूसिंग सुगर्स हैं हमारे पास में, ये रिएक्टिव होते हैं और ये रिएक्शन कर लेते हैं किससे, टोलन रिएजेंट से और फैलिंग सॉल्यूशन से। ठीक है, देखिए इसमें हमने डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ है, द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर कैपेबल टू रिड्यूसिंग टोलन रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन, जो रिएक्शन कर लेते हैं किससे, टोलन रिएजेंट से और फैलिंग सॉल्यूशन से, वे हमारे क्या कहलाएंगे, वे हमारे कहलाएंगे रिड्यूसिंग सुगर्स। ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुगर्स आर रिड्यूसिंग सुगर्स। अब ये ध्यान से समझेगा, जो हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं और डाइसैकेराइड्स हैं, ये सभी रिएक्शन कर लेते हैं किससे, टोलन रिएजेंट से और फैलिंग सॉल्यूशन से। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये हमारे क्या कहलाएंगे, रिड्यूसिंग सुगर कहलाएंगे। अब ध्यान से रखिएगा, हमने दो टाइप से क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, ये हमारा थ्री टाइप से है। ठीक है, दो टाइप का हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब सेकंड नंबर की बात करेंगे, नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स। तो बेटा नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स हमारे पास में वे होंगे जो टोलन रिएजेंट या फिर फैलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, जो इन्हें रिड्यूसिंग नहीं करेंगे। सुक्रोज इज एन नॉन रिड्यूसिंग सुगर। अब यहां सुक्रोज लिया हुआ है हमने, जो सुक्रोज हमारा होता है ये कैसा है, हमारा एक नॉन रिड्यूसिंग सुगर है। अब हम बात करने वाले हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज की। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज की आज शुरू कर देंगे, आज की वीडियो में कंप्लीट तो होने का नहीं है, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का काफी लंबा टॉपिक होगा। सेम इसी टाइप का हमारा फ्रक्टोज का भी काफी लंबा टॉपिक होगा, क्यों, क्योंकि हमें इनके स्ट्रक्चर भी पढ़ने हैं, इसमें हमें इनकी प्रिपरेशन भी पढ़नी है, केमिकल और फिजिकल इक्वेशंस भी हमें इनमें इनकी पढ़नी है। ठीक है, जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी हमें पढ़नी है, तो टॉपिक काफी लंबे होंगे, आज से शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारे चलने शुरू हो जाएंगे, दो या तीन वीडियो लेंगे, उसके बाद में हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी कंप्लीट हो जाएगा। अब जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज की बात करेंगे, तो नेचुरली ऑक्यूपाइंग ग्लूकोज इज अल्फा डी ग्लूकोज। अब जो जनरली पाया जाता है ग्लूकोज वो हमारा होता है अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, इट इज कलरलेस, ये कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इट इज हाईली सोल्यूबल इन वॉटर। और ये कैसा होता है, हाईली सोल्यूबल होता है किसमें, वॉटर में, बट इन सोल्यूबल इन ईथर। मगर ये ईथर में कैसा होता है, इन सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल नहीं होगा, घुलने का नहीं है। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अब जो एक्वस सोल्यूशन होगा किसका, ग्लूकोज का, वो हमारा कैसा होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। दिस इज वाई ये होता है, क्योंकि इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू ए डेक्स्ट्रोज। ठीक है, क्योंकि ये रेफर करता है किसे, डेक्स्ट्रोज को। इट इज द मोनोमर ऑफ सेवरल लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स। और ये हमारा क्या है, एक मोनोमर है किसका, लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स का, एग्जाम्पल स्टार्च का और सुक्रोज का। जो सुक्रोज या स्टार्च की जो यूनिट है वो क्या है, वो एक तरीके से समझिएगा कि ग्लूकोज है। इट इज द मोस्ट एम्बिएंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। और ये कैसा है, हमारे पास में एम्बिएंट कंपाउंड भी है किसका, अर्थ का। बेटा आज की वीडियो में आपका इतना ही रहेगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और एक बार फिर से आपसे मैं ये कहूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।